हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई पोएम ओड ऑन सोलिट्यूड को। ये कविता उन्होंने उस समय लिखी थी जब वो केवल 12 साल के थे, और इस कविता में वो गांव और शहर के जीवन के बीच जो अंतर होता है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गांव का जीवन होता है वो सादगी भरा जीवन होता है, गांव का जीवन सादगी भरा जीवन होता है, जबकि शहर का जीवन भाग दौड़ और संतुष्टि और शांति वाला नहीं होता, जबकि गांव का जीवन शांति, सादगी और संतुष्टि वाला होता है। वो एक आदर्श जीवन के बारे में बता रहे हैं, और गांव का जीवन जो होता है वो उसको आदर्श बता रहे हैं इस पोएम में, जो कि शांति प्रदान करता है, मन की शांति प्रदान करता है गांव का जीवन। अब हम पढ़ते हैं उनकी पोएम। ये उन्होंने उस टाइम लिखी थी जब वो 12 साल के थे। हैप्पी द मैन, हैप्पी द मैन ह्यूज विश एंड केयर, ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, कंटेंट टू ब्रीद हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। हैप्पी द मैन, के कौन व्यक्ति खुश है, वो व्यक्ति खुश है ह्यूज विश एंड केयर। विश एंड केयर का मतलब यहां टेंशन से लगा सकते हैं आप, चिंताएं। ह्यूज विश एंड केयर, जिसकी इच्छाएं और चिंताएं, ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, कहां तक सीमित हैं, उसकी पैतृक भूमि तक सीमित है। वह व्यक्ति जिसकी इच्छाएं और चिंताएं कुछ एकड़ पैतृक भूमि तक सीमित हैं, वह बहुत खुश है, वह बहुत सुखी है। कंटेंट टू ब्रीद हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड, और वह अपनी जो नेटिव एयर है पुश्तैनी धरती पर ही सांस लेकर खुश रहता है, इन हिज ओन ग्राउंड। कंटेंट टू ब्रीद हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड, के वह व्यक्ति जिसकी इच्छाएं, विश एंड केयर, जिसकी इच्छाएं और चिंताएं कुछ एकड़ पैतृक भूमि तक सीमित हैं, वह बहुत खुश है और वह अपनी पुश्तैनी धरती पर सांस लेकर ही सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। ह्यूज हर्ड्स विद मिल्क, ह्यूज फील्ड्स विद ब्रेड, ह्यूज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विद अटायर, ह्यूज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड इन विंटर फायर। कि ऐसे व्यक्ति के मवेशी उसे दूध प्रदान करते हैं, ह्यूज हर्ड्स विद मिल्क, कि उसको दूध कहाँ से प्रदान होता है, उसके पशुओं से, उसके मवेशियों से। ह्यूज फील्ड्स विद ब्रेड, और रोटी कहाँ से मिलती है उसके, उसे अपने ही खेत से उसे रोटी मिल जाती है। ह्यूज फ्लॉक सप्लाई हिम विद अटायर, और जो उसके पशुओं का झुंड होता है उसे कपड़ा प्रदान करता है। यहाँ पशुओं का न कह के बल्कि हम कहेंगे उसके जो बकरी भेड़ों का जो झुंड होता है, भेड़ों का, वो उसे कपड़ा प्रदान करता है। अटायर का मतलब होता है क्लोथ्स। हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड, और गर्मी में, समर के टाइम, गर्मी के टाइम उसके वृक्ष उसको छाया प्रदान करते हैं। इन विंटर फायर्स, फायर, और यही जो वृक्ष होते हैं उसे सर्दी में आग जलाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। सेकंड स्टेंजा में क्या कह रहा है कोई, कि ऐसे व्यक्ति को उसके मवेशी, उसके पशुओं से दूध प्राप्त हो जाता है, खेत से रोटी प्राप्त हो जाती हैं, और उसके जो पशुओं का, भेड़ों का जो झुंड होता है उससे उसे कपड़े प्रदान हो जाते हैं, और जो पेड़ होते हैं वो उसको गर्मी में छाया प्रदान करते हैं और सर्दी में उसे आग प्रदान करते हैं। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, आवर्स, डेज एंड ईयर स्लाइड सॉफ्ट अवे, इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे। अब क्या कह रहा है कि ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, कि वह व्यक्ति बहुत खुश है जिसके जीवन में चिंताएं नहीं है। क्या कह रहा है कि ब्लेस्ड, वह व्यक्ति ब्लेस्ड है, कौन, हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, कि जिसके जीवन में कोई भी चिंताएं नहीं है। हार्स डे एंड ईयर स्लाइड सॉफ्ट वे, और उसका समय बहुत आसानी से बीतता चला जाता है, कि घंटे, दिन और साल उसके बहुत आसानी से गुजरते चले जाते हैं।
बिना किसी चिंता के धीरे धीरे आराम से सॉफ्टली वो गुजरते चले जाते हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाई डे, उसका शरीर स्वस्थ होता है, बॉडी जो है उसकी हेल्दी रहती है और माइंड जो है उसका पीसफुल रहता है, उसका मन शांत होता है और जो स्वास्थ्य होता है वो शरीर जो होता है वो बहुत स्वस्थ होता है और उसके दिन शांति से बीतते चले जाते हैं। साउंड स्लीप बाय नाइट, साउंड स्लीप होता है गहरी स्लीप, वो रात को गहरी नींद से होता है। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, के रात को उसको कैसी स्लीप आती है, बिल्कुल गहरी डीप स्लीप, साउंड स्लीप लेता है वो रात को, और उसके जीवन में स्टडी एंड ईज पढ़ाई और आराम दोनों अच्छी तरह से मिले हुए होते हैं। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, पढ़ाई और आराम दोनों अच्छी तरह से मिले हुए होते हैं उसके जीवन में। स्वीट रिक्रिएशन, उसका जीवन मनोरंजक भी होता है, उसके जीवन में मनोरंजन भी काफ़ी होता है। एंड इनोसेंस, और मासूमी भी काफ़ी होती है, विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, जो उन्हें मन के द्वारा बहुत प्रसन्नता प्रदान करती है। क्या कह रहा है कि उसके जीवन में मनोरंजन और मासूमियत होती है, और वो उसे कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से उसको प्रसन्न करते हैं ये चीज़ें, मेडिटेशन से ये चीज़ें उसको प्रसन्न करती हैं, वो मेडिटेट करता है और इस वजह से उसका जीवन मनोरंजक हो जाता है और मासूमियत हो जाती है, और ये दोनों चीज़ें उसके जीवन को बहुत ही खुशी प्रदान करती हैं। 10 लेट मी लीव अनसीन अननोन, 10 लेट मी लीव अनसीन अननोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेंजा इस पोएम का, एक दो बार ये नेट में ही पूछा गया है। 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, देखो अब क्या कह रहा है पोएट इस लास्ट स्टेंजा में। 10 लेट मी लीव अनसीन अननोन, कि इस प्रकार मुझे जीने दो, कैसे बिना नजर आए और बिना किसी के जानकारी के, मुझे एक अज्ञात रूप में अननोन आदमी के रूप में मुझे जीने दो। लेट मी लीव कि मुझे जीने दो, अनसीन बिना किसी को नजर आए, अननोन बिना किसी की जानकारी के। 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई, और मुझे कैसे मरना चाहता है कोई जिसकी डेथ पे कोई भी लेमेंट ना हो, मतलब कोई भी उसके ऊपर अफसोस ना करे। इस तरह से वो क्या कह रहा है कि 10 लेट मी लीव, मुझे जीने दो अनसीन बिना नजर आए, अननोन अज्ञात रूप में, अनजान एक अनजान की तरह, एंड अनलिमिटेड लेट मी डाई, और मुझे मरने दो किस तरह, जैसे कि कोई मेरी डेथ पर अफसोस ना करे। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, मैं दुनिया से कब्र का एक भी पत्थर नहीं लेना चाहता। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन, कि मैं दुनिया से कब्र के लिए, अपनी कब्र के लिए एक भी पत्थर नहीं लेना चाहता। टेल वेयर आई लाई, मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाकर सोऊं, यहाँ कहाँ जाकर सोने का मतलब है कि मैं कहाँ जाकर अपना प्राण त्यागूं। क्या कह रहा है कि मेरी कब्र पे कोई भी स्मारक नहीं बनाया जाए, मैं प्रसिद्धि नहीं चाहता। क्या चाहता है कवि, एक सादा और संतुष्ट जीवन चाहता है, बिना नजर आए अनजान व्यक्ति की तरह वो जीना चाहता है और इसी तरह वो मर जाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी मृत्यु पर न तो कोई रोए और वह संसार को चुपचाप छोड़ देना चाहता है, ताकि उसके कब्र पर कोई भी पत्थर न रखने आए। तो फ्रेंड्स, ये थी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड। अगर पोएम अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच।